दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम WhatsApp के एक फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आप अपने स्टोरेज डेटा में से ये चेक कर पाएंगे कि कितना स्पेस इमेज और वीडियो में लिया गया है और उसको आप डिलीट कैसे करेंगे, वो दोनों आज आप सीख पाएंगे। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ और उसको थोड़ा ध्यान से आप देखिए। तो सबसे पहले आपको अपना WhatsApp ओपन कर लेना है। यहाँ से WhatsApp आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे सेटिंग में। नीचे सेटिंग में आने के बाद आप नीचे देख पा रहे हैं स्टोरेज एंड डेटा का ऑप्शन शो कर रहा है, इसमें आ जाएंगे। स्टोरेज एंड डेटा को ओपन करने के बाद ऊपर मैनेज स्टोरेज का ऑप्शन दिख रहा है, आप वहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ पे आने के बाद आपको नीचे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट दिख रहे होंगे, तो आप इसमें से कोई भी एक ऐसा कॉन्टैक्ट चूज कर लीजिए जिसका डेटा आपको डिलीट करना है। तो मैं यहाँ से एक रैंडमली चूज कर लेता हूँ। ये मैंने एक डेटा यहाँ से चूज कर लिया। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें नंबर ऑफ इमेजेस जितनी भी हैं वो यहाँ पे शो करने लगी हैं। तो यहाँ वन बाय वन आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, या आप चाहें तो सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट ऑल करने के बाद पूरी की पूरी इमेज यहाँ सेलेक्ट होगी। आप देख पा रहे होंगे कि 23.8 MB इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो मुझे अगर पूरा का पूरा यहाँ से डिलीट करना है तो जस्ट ऊपर आप डिलीट का ऑप्शन देख पा रहे हैं और यहाँ से डिलीट एनी कॉपी का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल भी करके यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन चूज करने के बाद देख पा रहे हैं यहाँ से क्लियर हो चुका है और यहाँ स्पेस भी 23 MB आपको फ्री मिल गई। तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।